वेलकम टू नेक्स्ट फ्यूचर व्यूज़। और आज हम बात करेंगे ऑल न्यू 2021 टाटा विंगर फ्लैट रूफ 12 प्लस ड्राइवर टोटल 13 सीटर विंगर के बारे में। और आज हम आपको इस वीडियो में इस व्हीकल के बारे में वो हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर करके बताएंगे जो कि आप इसे लेने से पहले जानना चाहते हैं। सो व्यूज़, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमारी वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि हम अपनी इस वीडियो में इस व्हीकल के बारे में वो हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर करेंगे जो कि आप इसे लेने से पहले जानना चाहते हैं। जैसे कि इसका एक्शोरूम प्राइस क्या है, इसमें आपको लग्जरी फीचर्स का देखने मिल जाते हैं, साथ ही में कितने इसमें पावर मिल जाती है और कंफर्ट कैसा है कैबिन के अंदर और सिटिंग कैपेसिटी वाइज इसके अंदर जो है वो कितना स्पेस देखने मिलता है। इसमें हम आपको वो हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कवर करके बताएंगे अपनी वीडियो में। और ये जो वेरिएंट आप देख रहे हैं व्यूज, ये है फ्लैट रूफ टॉप मॉडल 12 प्लस ड्राइवर टोटो 13 सीटर विंगर। अब हम करें व्यूज इसके फ्रंट से शुरुआत। अब हम बात करें व्यूज की कीज़ के बारे में, तो व्यूज इसकी कीज़ जो कुछ इस तरह से देखने मिल जाती हैं, जिसमें कि टाटा का लोगो देखने मिल जाएगा दोनों तरफ और दोनों कीज़ जो सिंपल कीज़ आती हैं। अब हम करें इसके फ्रंट से शुरुआत। तो जैसे कि आप इसके फ्रंट में देख सकते हैं, यहाँ पे जो क्रोम फिनिश दी गई है, साथ में टाटा का लोगो देखने मिल जाएगा और पियानो फिनिश देखने मिल जाएगी इसके बीच में। और यहाँ पे देख सकते हैं आप इसके डे टाइम रनिंग लाइट्स, जो कि काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं और काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश बनाते हैं इसके फ्रंट लुक को। और यहाँ पर देखेंगे ये जो मैट ब्लैक फिनिश है, ये और ज़्यादा एक रगेड व्हीकल का लुक देती है। साथ में और यहाँ इसके नोज़ ग्रिल के ऊपर जो है काफ़ी अच्छे वे में जो है कूलिंग मिल जाती है इंजन के लिए। साथ में यहाँ पर एयर डैम ग्रिल में देखेंगे तो काफ़ी बेहतरीन वे में जो वेंट्स डिज़ाइन किए गए, जिसकी वजह से जब भी आप इसके साथ हिली एरिया में ड्राइव करेंगे या तो फिर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग में जाएंगे समर्स डे में, उस टाइम पे इसके ऊपर इसमें जो आपको ओवरहीटिंग की परेशानी देखने में नहीं मिलेगी। और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पर जो रिफ्लेक्टिव टेप इंस्टॉल की गई है, साथ ही में फॉग लाइट्स जो कंपनी से ही मिल जाती हैं टॉप एंड मॉडल में। और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे भी जो इसका इंटरकूलर इंस्टॉल किया गया है, जो कि आप यहाँ पे वेंट्स भी देख सकते हैं। यहाँ पे जो है स्टील मैश जो है विद ब्लैक पेंट फिनिश के साथ में देखने मिल जाएगी। और ये जो आप मैश यहाँ पे भी देख सकते हैं, और यहाँ पे भी आपको मैश जो डिज़ाइन देखने मिल जाएगा। यहाँ पे देख पाएंगे आप इसका विंडशील्ड वाटर फ्लूइड फिलिंग टैंक, जिसे कि आप यहाँ पे इजीली देख सकते हैं, आपको एक्सेस करने के लिए अंदर से इसका पॉइंट जो मिल जाता है। इसके फ्रंट में जो आपको सस्पेंशन मिलता है वो है कॉइल स्प्रिंग विद मैकफर्सन स्टड सस्पेंशन मिल जाएगा विद स्टेबलाइजर बार। और इसमें आपको फ्रंट में डिस्क ब्रेक्स मिलती है, रेयर में ड्रम ब्रेक्स मिल जाएंगी, अपोलो के टायर मिल जाते हैं, टायर साइज इसका 195R15 का, साथ ही में व्हील्स कवर जो कंपनी से ही मिल जाते हैं, 5 नगलट्स जो इसके व्हील को होल्ड करके रखते हैं, सेलो फिनिश के साथ में व्हील्स आते हैं इसके। और यहाँ पे देख सकते हैं इंडस्ट्री ग्रेड एल्यूमिनियम से डिज़ाइंड इसके साइड स्टेप्स देखने मिल जाएंगे। यहाँ पे मैट ब्लैक फिनिश जो दी गई इसके ऊपर। और इसमें आपको यहाँ पे जो है ड्यूअल नोजल सेटअप देखने मिल जाएगा विंडशील्ड वॉशर का। और आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके ओआरएम्स, जिसे कि आप मैनुअली एडजस्ट कर सकते हैं। अब हम बात करें इसके को ड्राइवर साइड की, तो जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ से जो आप इसे कुछ इस तरह से ओपन कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है लॉन्ग ड्यूरेबल लाइफ के साथ में जो यहाँ पे फैब्रिक फिनिश देखने मिल जाएगी और ग्रिपिंग जो काफ़ी अच्छी मिल जाती है, जिसकी वजह से इसका दरवाज़ा तो आपके हाथ से फिसलेगा नहीं। और यहाँ पे मैनुअली ऑपरेटर इसकी विंडोज़ मिल जाएंगी, वाटर बॉटल होल्डर की स्पेस यहाँ पे देखने मिल जाती है, जो कि ड्राइवर एंड को ड्राइवर के दोनों तरफ देखने मिल जाएगी। यहाँ पे और ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स और इंपॉर्टेंट स्टोरेज स्पेस जो मिल जाती है काफ़ी अच्छे वे में। और यहाँ पे स्टेप्स डिज़ाइन किए गए कैबिन के अंदर चढ़ने के लिए। और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जो है को ड्राइवर साइड में यहाँ पे थोड़ी और स्टोरेज स्पेस मिल जाती है मोबाइल फ़ोन के लिए रखने के लिए। यहाँ पे भी जो स्टोरेज स्पेस डिज़ाइन की गई, एक्स्ट्रा स्टोरेज स्पेस जो यहाँ पे भी मिल जाती है। और कैबिन से बाहर जाना चाहिए, अंदर आना चाहिए तो ईजिली ग्रैबिंग पॉइंट को पकड़ के आप अंदर बाहर आ जा सकते हैं। और कैबिन लाइट जो यहाँ पे फ्रंट में भी देखने मिल जाती है, जिसे कि आप मैनुअली एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पीछे देख पाएंगे यहाँ पे जो इसका एसी यूनिट जो इंस्टॉल की गई है कैबिन के। अब हम चले इसके रियर कैबिन में, यहाँ पे भी जो आपको की फॉब के साथ है डोर्स अनलॉक करने की ऑप्शन मिल जाती है ड्राइवर एंड को ड्राइवर की। और यहाँ पे फ्यूल टैंक की कैप जो है यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में देखने मिल जाएगी, इजीली आप फिल कर सकते हैं इसमें फ्यूल। और बाहर से इंटीरियर का व्यू कुछ इस तरह से देखने मिलेगा। और अगर आप चाहें तो इस सीट को डंबल कर सकते हैं और इजीली अंदर जा सकते हैं। और अगर आप ऐसे डायरेक्ट पीछे जाना चाहें बिना इसे डंबल किए तो यहाँ साइड से आप जा सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सेकेंड रो में आपको एक और चीज़ नोटिस देखने मिलेगी, वो है यहाँ पे फ्रंट सीट्स के पीछे ग्रैबिंग पॉइंट्स इंस्टॉल किए गए हैं। यहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर इजीली एक्सेसिबल है सभी के लिए। यहाँ पे जो फुट स्पेस हो काफ़ी अच्छा मिल जाता है, इजीली लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग कर सकते हैं।
यहाँ पे इसके फ्रंट में आपको एसी वेंट्स जो डिज़ाइन किए देखते हैं मिल जाएंगे। और अगर आप इन्हें कंट्रोल करना चाहें तो कुछ इस तरह से एडजस्टमेंट कंट्रोल कर सकते हैं इसके एयर फ्लो को। और अगर आप इसे कुछ इस तरह से एयर के डायरेक्शन को चेंज भी कर पाएंगे। यहाँ ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पे एयर वेंट्स जो है ऊपर भी दिए गए हैं जो लास्ट रो तक जो है एयर का काफ़ी छत्र ऑफर करते हैं। यहाँ पे जो सक्शन पॉइंट जो डिज़ाइन किए गए हैं, इनर एयर सर्कुलेशन जो आपको इसमें देखने मिलेगी, और यहाँ से जो लास्ट रो तक का व्यू जो कुछ इस तरह से देखने मिलेगा। और एक और चीज़ आप नोटिस करेंगे इसमें, एमरजेंसी हेल्प के बटन जो कि आप यहाँ पे लेफ्ट साइड एंड राइट साइड में देख सकते हैं। ये तभी यूज़ किए जाते हैं जब आप जब व्हीकल का एक्सीडेंट हो गया या कुछ मिसहैपनिंग हो चुकी है व्हीकल के साथ, उस टाइम पे इनका यूज़ किया जाता है। और यहाँ पे भी जो फायर एक्सटिंग्विशर जो दिया गया है सेकंड थर्ड रो में। और यहाँ पे भी देख सकते हैं जो लास्ट रो में बैठेंगे तो आपको यहाँ पे भी जो है ग्रैबिंग पॉइंट्स देखने मिल जाएंगे। और लेग रूम जो है इतना कुछ देखने मिल जाता है। और हेडरूम स्पेस जो काफ़ी अच्छा दिया गया है। पैसेंजर कैबिन में आपको दो LED में लाइट्स देखने मिल जाएंगी जिन्हें कि मैनुअली कट ऑफ और कट ऑन किया जा सकता है, जिसका कंट्रोल जो वहाँ आगे ड्राइवर सीट के पास अवेलेबल है। और अगर आप इसके AC की फैन स्पीड को कंट्रोल करना चाहें तो यहाँ से जो इसे कुछ इस तरह से स्लाइड करके आप कंट्रोल कर पाएंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं लास्ट रो के पीछे आपको यहाँ पे जो है जैक टूल्स देखने मिल जाते हैं, साथ ही में स्पेयर व्हील दिया गया है स्टील रिम के साथ में। और अगर आप लास्ट रो की विंडोज़ को ओपन करना चाहे तो आप इन्हें कुछ इस तरह से एक कन्वेंशनल वे में, ट्रेडिशनल वे में ओपन इजीली कर सकते हैं। लो केबल फंक्शन के साथ में आते हैं। और एंट्रेंस जो व्हीकल में वो पैसेंजर्स के लिए लेफ्ट साइड से ही मिलती है। और अगर आप अंदर से इसे ओपन करना चाहे तो कुछ इस तरह से ओपन कर सकते हैं। और यहाँ पे भी जो है डोर लॉकिंग मैकेनिज्म जो देखने मिल जाएगा। और हम बात करें भी इसके रेयर एंड की तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं LED में इसका कंप्लीट सेटअप देखने मिल जाएगा। टेल लाइट्स का टेल लाइट इंडिकेटर जो LED में आता है, साथ में यहाँ पे विंगर बैज मिल जाएगा राइट साइड में डोर के ऊपर, और लेफ्ट साइड में टाटा का बैज जो देखने मिल जाता है क्रोम फिनिश के साथ में। यहाँ पे पार्किंग सेंसर इंस्टॉल किए गए हैं बूट डोर के ऊपर, साथ में यहाँ पे पार्किंग सेंसर देख सकते हैं जिसकी मदद से जब भी आप व्हीकल को रिवर्स में पार्क करें तो उस टाइम पे ये रेयर के ऑब्जेक्ट को काफ़ी इफेक्टिव वे में डिटेक्ट करते हैं। और यहाँ पे जिसके नंबर प्लेट लाइट्स है वो LED के साथ में आती है। और यहाँ पे जो आप ये देख सकते हैं रेयर डिफ्यूज़र जो है वो मेटल सीट के साथ डिज़ाइन किया गया है। और ग्राउंड क्लियरेंस आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी, इसमें आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है। और रेयर में जो है वो लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन मिलता है। और अगर आप इसके बूट डोर को ओपन करना चाहें तो कुछ इस तरह से ओपन कर सकते हैं, और कुछ इस तरह से आप इसे फिक्स कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं जैक जो कुछ इस तरह से इंस्टॉल किया गया है, और जैक रोड जो यहाँ पे इंस्टॉल की गई, और स्पेयर व्हील जो यहाँ पे होल्ड करके रखा गया है। और इसमें जो आपको टायर साइज मिलता है वो है सेम 195R15C का। तो काफ़ी अच्छी इसमें आपको बूट स्टोर स्पेस मिल जाती है जो कि है अराउंड 350 लीटर्स तक। और व्यूज़ अगर आप इसके हुड को ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ पर इस लीवर को पुल करके आप इसके हुड को ओपन कर सकते हैं। और अब हम बात करें व्यू इसके इंजन बे के बारे में, तो पहले तो इसके इंजन बे का व्यू जो दूर से दिखा देते हैं। कुछ इस तरह से इसके इंजन बे की ओपनिंग देखने मिलती है, और काफ़ी इजी एक्सेस मिल जाता है इंजन बे के अंदर। अब हम बात करें इसके इंजन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। ब्रेक फ्लूइड का टैंक जो आप यहाँ पे देख सकते हैं इजीली एक्सेसिबल है। और यहाँ पे देख सकते हैं आप इसका एयर क्लीनर्स। और यहाँ पे आप अगर आप इसके इंजन का ल्यूबर लेवल चेक करना चाहें तो उसके लिए स्टिक जो यहाँ पे इंस्टॉल की, आप इसे बाहर निकाल के इसके लास्ट में जो मैक्सिमम मिनिमम का डॉट जो है देख पाएंगे। और अगर आप इसके कूलेंट को डायरेक्ट फिल करना चाहें रेडिएटर में तो यहाँ पे ऑप्शन मिल जाती है कूलेंट टैंक जो यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है, जिसमें कि मैक्सिमम मिनिमम लेवल आप इजीली देख सकते हैं। पावर स्टीयरिंग फ्लूइड टैंक जो यहाँ पे दिया गया है, ESP और AC एंड बैटरी और बाकी मेजर फ्यूजेज जो आपको यहाँ पे देखने मिल जाएंगे। और यहाँ पे जो आपको इसके फ्यूजेज और यहाँ पे रिलेज यहाँ पे देखने मिल जाएंगे। और इसकी फायर वॉल के ऊपर जो काफ़ी डिसेंट वे में जो है हीट रिफ्लेक्टिव इंसुलेशन और नॉइज कैंसिलेशन डैम्पिंग जो इंस्टॉल की गई लगाई गई है। अब हम बात करेंगे इसके इंजन के बारे में। सब यूज इसमें जो इंजन मिलता है वो है 2.2 लीटर डाइकोर टर्बोचार्ज डीजल इंजन, जो कि टोटल पावर प्रोड्यूस करता है वो है 99 BHP के। और इसमें जो आपको गेयरबॉक्स माउंटेड मिलता है वो है 5-speed मैनुअल एंड प्लस रिवर्स। और ये जो आपको मैक्सिमम माइलेज देगा इन हिली एरिया वो है अराउंड 15-16 km/L की। और इसमें जो आपको वारंटी मिल जाती है वो है 3 years and 3 lakh km की स्टैंडर्ड वारंटी मिलती है कंपनी से। ड्राइवर साइड के डोर का व्यूज़ कुछ इस तरह से देखने मिल जाता है। की फॉब इंस्टॉल करने के लिए जगह दी गई है, और आप इसे प्रेस करके ओपन कर सकते हैं वो कुछ इस तरह से। और यहाँ पे देख सकते हैं इसके OR जो है मैनुअल एडजस्टमेंट फंक्शन के साथ में आते कुछ इस तरह से एडजस्ट कर पाएंगे। टाटा का
लोगो जो और स्टिकर के साथ में आपको यहाँ पे स्टिकरिंग देखने मिल जाएगी। साइड इंडिकेटर्स जो यहाँ पे इंस्टॉल किए गए, यहाँ पे देख सकते हैं ग्लॉसी रबड़ी स्ट्रिप जो इंस्टॉल की गई जो कि रेड एंड तक जाती है और एक स्टाइलिश लुक देता है व्हीकल को। और आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके ड्राइवर डोर का, जिसमें कि यहाँ पे जो है इंडस्ट्रियल ग्रेड फिनिश जो है लेदर एक्ट की देखने मिल जाएगी। ग्रैपिंग पॉइंट जो काफ़ी अच्छा दिया गया है और यहाँ पे जो है रिफ्लेक्टर टेप जो इंस्टॉल की गई, जब भी आप रात में दरवाज़ा ओपन करेंगे तो ये बाकी ड्राइवर्स को वार्न करता है कि गाड़ी का दरवाज़ा ओपन है। और यहाँ पे देख सकते हैं आप वाटर बॉटल होल्डर स्पेस, और यहाँ पे काफ़ी अच्छी इमेज है, डिसेंट स्टोरेज स्पेस दी गई है। और बाहर से इंटीरियर का व्यू कुछ इस तरह से देखने मिलता है। और हम बात करें भी इसकी फ्रंट सीट्स की, तो इसकी फ्रंट सीट्स जो बक्की स्टाइल में डिज़ाइन किए गए, जिसकी वजह से कुशनिंग एंड जो लंबा थाई सपोर्ट काफ़ी अच्छा मिल जाता है। हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट जो आपको सिर्फ ड्राइवर साइड की सीट के ऊपर देखने मिल जाएगा। इसकी ड्राइवर साइड की सीट जो वो 10-way मैनुअल एडजस्टमेंट फंक्शन के साथ में आती है। और यहाँ ड्राइवर सीट के नीचे आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो एक इमरजेंसी किट के तौर पे ग्लास ब्रेकिंग जो टूल है वो दिया जाता है। अगर आप इसे ज़ोर से शीशे के ऊपर मारेंगे तो ये शीशा जो है टूट जाएगा। अगर आप इसे विंडशील्ड के ऊपर भी मारेंगे, क्योंकि अगर आप इसे विंडशील्ड के ऊपर भी इसके साथ हैमरिंग करेंगे तो विंडशील्ड का ग्लास भी इजीली टूट जाता है। इसकी वजह से जो है टफ से टफ ग्लास इजीली टूट जाता है और आपके लिए जो इमरजेंसी में इजी एग्जिट मिल जाती है किसी भी विंडो के थ्रू। सो व्यूअर्स, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ से आपको फ्रंट का व्यू कुछ इस तरह से देखने मिल जाता है। और साथ में ड्राइवर साइड में आपको यहाँ पे जो है काफ़ी बड़ा सनवाइज़र देखने मिलेगा। इसमें आपको इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होल्ड करने के लिए स्पेस नहीं मिलती है। और यहाँ पे ड्राइवर साइड के ऊपर भी जो है एमरजेंसी बटन जो दिए गए, जो कि लेफ्ट साइड में भी देख सकते हैं। और इसमें आपको लेगरूम एंड हेडरूम स्पेस जो फ्रंट में काफ़ी अच्छा मिल जाएगा। और इसके ड्राइवर साइड से ड्राइवर स्टेयरिंग की बात की जाए तो यहाँ पे लेदर फिनिश जो स्टेयरिंग व्हील नहीं मिलता, यहाँ पे पियानो फिनिश दी गई है। वाइपर्स के कंट्रोल इस तरफ मिल जाते हैं, हेडलाइट्स के कंट्रोल जो आपको यहाँ पे देखने मिल जाएंगे। और हाइट एडजस्टमेंट करना चाहते हैं अपने हेडलाइट की, तो आप इस नोब को कुछ इस तरह से रोटेट करके हाइट जो एडजस्ट कर पाएंगे। और यहाँ पर जो है लाइट्स के और DRS के कंट्रोल्स देखने मिल जाएंगे, हेडलाइट्स के कंट्रोल्स यहाँ पर देखने मिल जाएंगे। और अगर आप अपने इको मोड को एक्टिवेट करना चाहते हैं विंगर का, तो आप इस बटन को प्रेस करके जो है एक्टिवेट एंड डीएक्टिवेट कर सकते हैं इको मोड को। और यहाँ पे जो है रीजनरेशन स्विच मिल जाता है। और यहाँ पे देख सकते हैं इनर कैबिन लाइट्स के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। बैटरी रिकनेक्ट करने के लिए बटन यहाँ पे दिया गया है। चारों पार्किंग इंडिकेटर्स एक्टिवेट करना चाहे तो आप इस बटन को प्रेस करके एक्टिवेट कर सकते हैं। साथ ही में एसी ऑन करने के लिए बटन यहाँ पे दिया गया है। फैन स्पीड कंट्रोल करना चाहे, चिलिंग को कंट्रोल करना चाहे तो आप यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं। फ्रंट रो की यहाँ पे फ्रंट में भी आपको एसी वेंट्स मिल जाते हैं। और रियर एसी एक्टिवेट करना चाहे तो उसका बटन यहाँ पे दिया गया है। और साथ ही में यहाँ पे आपको जो है यूएसबी में 10 वॉट का पावर पॉइंट की ऑप्शन मिल जाती है, जिसके थ्रू फास्ट चार्जिंग से अपना मोबाइल फ़ोन चार्ज कर सकते हैं। और यहाँ पे जो गेयर शिफ्टिंग स्टिक जो कुछ इस तरह से देखने मिलेगी, और इसकी हैंड ब्रेक जो यहाँ पे दी गई है। अब हम बात करें भी इसकी MID की, तो व्यूज़ इसकी MID जो कुछ इस तरह से देखने मिल जाती है, जिसमें कि आपको सेंटर में जो है डिजिटल डिस्प्ले देखने मिलेगी। और इस तरफ आप देख सकते हैं एनालॉग में इंजन RPM, और यहाँ पे देख सकते हैं स्पीड। और इसमें जो आपको फ्यूल लेवल और कूलेंट टेम्परेचर आप यहाँ पे देख पाएंगे। डिजिटल में टाइम देख सकते हैं, कितने किलोमीटर आपका व्हीकल चला हुआ है वो दिखाएगा, ट्रिप पे ट्रिप भी दिखाएगा। फ्यूल लेवल लो तो उसकी वार्निंग देखने मिल जाएगी। और यहाँ से आप अगर रीसेट सेट करना चाहें तो आप यहाँ से सेट रीसेट कर सकते हैं। अब हम बात करें व्यूज़ इसके एक्स शोरूम प्राइस की, तो व्यूज़ इसका एक्स शोरूम प्राइस है वो है 15,09,000 रुपीज़। और अगर आप व्यूज़ इसके ऊपर एक्साइटिंग डिस्काउंट पाना चाहते हैं तो आप डीलर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डीलर का नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और हम जो आपको ये एक्स शोरूम प्राइस बता रहे हैं ये है हिमाचल प्रदेश कांगड़ा का। और व्यूज़ आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे एंड स्टे सेफ।